हेलो दोस्तों, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म में रिलीज हो गई है। फिल्म बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा एक्शन किया। फिल्म में आलिया भट्ट और रणवीर कपूर ने बहुत अच्छा एक्शन किया है। गाइस, आलिया और रणवीर की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, मगर दिलचस्प बात यह है कि इनका फैमिली ड्रामा मनोरंजन का पिटारा साबित होता है। गाइस, बात करें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की, तो कहानी की दो लड़के लड़की यानी रणवीर भाई और आलिया। रॉकी फिल्म में तड़कते भड़कते कपड़े पहने वाला पंजाबी प्रोटीन लेकर डोली बना रहा है। रॉकी भाई को अंग्रेजी नहीं आती, वो सीधी मराठी बोलते हैं। रॉकी भाई अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। पर गाइज, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉकी भाई का दादा रानी की दादी से लव स्टोरी चल रही थी, वहीं पर रॉकी और रानी का मिलन होता है। वहीं रानी को रॉकी भाई किसी दूसरे ग्रह से आया लगता है। इन दोनों को पता चलता है कि अपने दादा दादी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। वहीं से गाइज रॉकी और रानी की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। रानी भी रॉकी को आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लग जाती है। मगर गाइज, सबसे बड़ी समस्या अब आती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, परिवार के बीच का कल्चर डिफरेंस है, जिसे मिटाने के लिए रॉकी को रानी के घर रहना पड़ेगा और रानी को रॉकी के घर रहना पड़ेगा। गाइस, गाने भी बहुत अच्छे लगे फिल्म में। फिल्म में रोमांस, लव, सास बहू का ड्रामा आदि देखने को मिलेगा। फिल्म में तुम क्या मिले, झुमका ऐसे गाने दिल को छू लिए यार। आलिया भट्ट भी केंद्रीय भूमिका में है। दोस्तों, रणवीर की केमिस्ट्री फिल्म का प्लस पॉइंट है। रोमांस का मेला लेकर आई है फिल्म। गाइज, पारिवारिक फिल्म, कभी खुशी कभी गम, कुछ कुछ होता है, सविता ने कहना है दिल। रोमांटिक फिल्में बना चुके हैं करण भाई और इन्हीं ने रानी की प्रेम कहानी बनाई है। फाइनली दोस्तों, बहुत अच्छी लगी मुझे तो फिल्म है। आपको फिल्म का रिव्यू कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जो भाई लोग लव और रोमांस फिल्में देखना पसंद करते हैं, वो जरूर देख ले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। रॉकी रानी की प्रेम कहानी के लिए गाइज एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम। अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।